Grabo Redco. Thank you.
मिड पॉइंट नहीं है, लैंडिंग नहीं है। ये ये क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं।
will see into our second step. उसमें assignment भी है. Half into base into sign A. जैसे बोलते हैं. A is the same. Area of triangle. Sign A. Area of triangle. अच्छा, दो साइड की लेंथ उनकी बीच का एंगल. मैंने ऐसा काम किया, मैंने क्या ये बेस और ये इस ट्राइंगल की हाइट, ये ऑब्ल्यूस एंगल ट्राइंगल है ना, तो परपेंडिकुलर तो बाहर जाएगा ट्राइंगल को, इसकी हाइट ये होगी हाफ बेस और ये मान लो ये है, इसका बेस ये है तो हाइट परपेंडिकुलर ये होगा. नोट किया सबने? अरे ये बताओ कि ये पॉइंट M का नाम है, तो P M पर भी दूरी होगा, होगा कि नहीं होगा? CM plus 2 CT CT होगा? Yes. किसी को डाउट तो नहीं? No. अच्छा ये बताओ AD जो है वो AD plus BD होगा? Yes. Yes sir. और AE जो है? AC plus BD. Yeah. Yes. 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 तो अब मुझे बताना कि AB plus BC plus CA. ये A plus B plus C है? Yes. अब इस AB को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, AB को AB लिख सकते हैं. Plus BC को हम BM plus MC लिख सकते हैं. Plus C. Plus to A plus B plus C तो 2S होंगे. Yes. अब ये जो है ये ए बी प्लस बी एम, बी एम की वैल्यू किसके इक्वल? ए बी प्लस बी डी प्लस सी प्लस सी ए प्लस टू एस. अब देखो ए बी प्लस बी डी कितना हुआ? ए डी प्लस बी प्लस ए क्या AE और AD दोनों इक्वल होंगे? Yes. तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ AE लिख दूं? Yes. AE किसके इक्वल? 2S. AE किसके इक्वल? Yes. चलो अपना काम. Yes. काम हो गया तो भी है. Yes. चलो ये बनाओ. ट्राइंगल AEI1. इन ट्राइंगल AE I1 बोलो tan A by 2 tan A by 2 कितना होगा? AD upon CE triangle upon RC upon AE upon AE upon AE yes कितना हुआ? इन रेडियस क्या थी? S माइनस A tan A by 2 था. इन रेडियस में क्या था? S माइनस A tan. यहाँ पे क्या है? S. अच्छा R2 को बताएगा? R2 S माइनस A tan A by 2 और R3 S माइनस A tan A by 2. सारिफ के काबिल हो. CMB. Yes. Sorry, in triangle I one M. I one. बताओ
आई वन एम बी इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं टेन पाई माइनस बी बाई टू कितना होगा कितना होगा बताओ जिसको समझ नहीं आया और यहाँ से सीएम कितना होगा बताओ एन बी प्लस सी एम कितना होता है एम बी प्लस सी एम बी सी होगा साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन आर वन इंटू साइन प्लस सी बाई टू किसी को डाउट नो किसी को कोई डर नो इक्वल टू ए बताओ आर वन की वैल्यू जल्दी से कैपिटल आर साइन ए लिख सकते हैं तो आर क्या हो जाएगा आर साइन ए कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू कॉस ए बाय ठीक है अब साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा टू और टू फोर आर साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू इंटू कॉस बी बाय टू ये फोर्थ पर अच्छा इन रेडियस की तो ये सब क्या थे सारे के सारे साइन थे साइन ए बैठो साइन बी बैठो साइन सी बैठो जब एक्स रेडियस है तो आर वन है तो ए वाला साइन होगा बाकी दोनों को R2 है तो
बी वाला साइन बी वाला साइन होता है अलग कोस वाली साइन है कोस और आर थ्री है तो सी वाला साइन कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय बी बाय टू साइन ए बाय टू साइन ए बाय टू ये था फोर्थ पर ठीक है चारों फॉर्मूले हो गए और कुछ प्रैक्टिस कर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
रूट स्क्वायर रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए होगा यस आर इक्वल टू 10 ए क्यूब ए स्क्वायर रूट 3 बाय 4 साइन स्क्वायर यस ए स्क्वायर कौन एस एस कितना होगा ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाय बट ये भी तो ए है यस ए है तो 3 ए बाय 2 है बी ए बाय 2 आर वन देखो 10 10 का मतलब स्क्वायर रूट 3 बाय 4 और ए स्क्वायर कौन एस माइनस ए एस है क्या एस को 3 बाय 2 ए है माइनस ए कितना हुआ 3 बाय 2 ए माइनस ए ए बाय 2 ए बाय 2 ए बाय 2 किसी को डाउट पक्का डाउट नहीं है ये कितना हुआ देखो ये ए क्यूब ए स्क्वायर कैंसिल हो गया 4 और 4 तो r कितना मिला आपको a by square root इधर से small r देखिए ये 2 ये 2 ये root 3 और ये root 3 ये a और ये a तो r मिला आपको a by 2 root 3 r1 देखो कितना हुआ ये 2 और ये 2 a और a root 3 a by 2 ठीक है अब देखिए आपको रेशियो पूछा है किसका इन रेडियस आर सर्कम रेडियस कैपिटल आर 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 इसका रेडियस रेशियो पूछा आपसे तो ए बाय टू रूट थ्री ए बाय रूट थ्री और रूट थ्री बाय टू ए ठीक है इन तीनों में से ए को डिवाइड कर दो फिर टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा वन ये ये टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया yes. तो वन इज टू टू इज थ्री ये है अब आप में से जिस जिसको डाउट है वो पूछो अंदर जल्दी से
ये देखो, अच्छा आपको ये तो पता है आर वन इक्वल टू होता है डेल बाय एस माइनस के, आर टू डेल बाय एस माइनस बी, आर थ्री डेल बाय एस माइनस सी। तो बताओ आर वन बाय आर टू कितना, इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा? एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए मिलेगा। और आर वन और आर थ्री इन दोनों का रेशियो एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, ये पुट कर दो। तो वन माइनस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए और वन माइनस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू टू। डाउट किसी को? ये सब इधर मल्टीप्लाई होगी एस माइनस ए माइनस एस प्लस बी अपॉन एस माइनस ए, ये सब इधर मल्टीप्लाई होगी एस माइनस ए माइनस एस प्लस सी अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू टू। ये एस और एस कैंसिल हो गया, ये एस और एस कैंसिल, ये बना बी माइनस ए अपॉन एस माइनस ए इन टू सी माइनस ए अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू टू। क्लियर? बताओ एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, एस को क्या लिखूँ, या फिर ऐसा करो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको टू एस माइनस टू ए, ये टू से मल्टीप्लाई और टू एस माइनस टू, अब ये बोलो कितना होगा, या एस माइनस के होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये होगा b माइनस ए इंटू सी माइनस टू इक्वल टू टू टाइम्स एस माइनस ए प्लस, और ये कितना होगा बी सी बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ये होगा बताओ टू एस माइनस टू ए, ये हो गया बी सी, प्रोडक्ट करो बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए इक्वल टू, ये इसका प्रोडक्ट बताओ टू एस माइनस टू ए बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पता है आपको? yes. तो जल्दी जल्दी बता, ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा टू बी सी माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी प्लस टू ए स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी। कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस टू ए बी ये कैंसिल, माइनस टू ए सी ये, ये कितना है टू बी सी और टू बी सी, ये भी कैंसिल। अब ये टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू तो कैसा ट्राइंगल हुआ? राइट हैंड ट्राइंगल। किसी को डाउट है? एस माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद फोर से मल्टीप्लाई कर फोर स्क्वायर, अगर बाहर फोर है तो स्क्वायर के अंदर तो टू ही होगा, और इधर तो टू ही था,
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, अभी तो 4 होगा। ये सॉल्व किया, ये सारी वैल्यूज को प्रूव कर दो। आर का मतलब होता है डेल बाय एस, इसका मतलब होता है डेल बाय एस माइनस, इसका मतलब होता है डेल बाय एस माइनस, और ये डेल बाय एस माइनस, ये हो जाएगा ऊपर एस माइनस ए अपॉन एस इक्वल टू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी, डॉट मल्टीप्लाई किया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस सी, ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मिला ए बी इक्वल टू एस ऑफ ए प्लस बी माइनस एस ऑफ सी, यहाँ से ए बी इक्वल टू एस कॉमन तो ए प्लस बी माइनस सी, और ए प्लस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी को टू एस माइनस टू सी ए बी प्लस टू, क्या लिखूंगा मैं काम कर उसको लिखता हूँ एस को ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, और ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी। अब ये देखो ये है ए ये बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा टू ए बी, बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है माइनस बी स्क्वायर होता है, अब ये हो गया टू ए बी इक्वल टू इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया सी स्क्वायर इधर आ जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ सी, इसके ऑपोजिट एंगल सी एंगल होगा 90 डिग्री।